दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वोल्टेज एंड वोल्टेज डिफरेंस। दोस्तों इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि गॉस का नियम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है, सारी चीज़ें हमने बेसिक्स की पिछले लेक्चर में पढ़ रखी हैं। दोस्तों आज की क्लास में हम देखेंगे कि वोल्टेज और वोल्टेज डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों वैसे तो वोल्टेज डिफाइन ही नहीं किया गया, वोल्टेज को एक तरीके से हम मान के समझ रखे, लेकिन दोस्तों जो वोल्टेज डिफरेंस है इसको समझाया गया। वोल्टेज डिफरेंस क्या होता है बताते हैं, हेडिंग लगाते हैं वोल्टेज डिफरेंस। दोस्तों ऐसा मान के चलिए कि ये जो पूरा बोर्ड है, ये जो पूरा बोर्ड है वो एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है। क्या मान लीजिए, पूरा बोर्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड है। इसमें दो पॉइंट दिए गए, एक पॉइंट ए रहा, ये पॉइंट रहा बी। क्लियर। पॉइंट बी पर हमने एक छोटा सा आवेश जिसको हम बोलेंगे परीक्षण आवेश क्यू नॉट को रख दिया। क्या क्या दोस्तों, एक बड़ा सा इलेक्ट्रिकल फील्ड है, उसमें हमने दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ए दूसरा पॉइंट बी। पॉइंट बी पर हमने एक छोटा सा चार्ज जिसको हमने परीक्षण आवेश बोला उसको रख दिया, उसका मान है क्यू नॉट। क्लियर। दोस्तों थोड़ा सा हटके सोचते हैं, मान लीजिए कोई एक स्प्रिंग है। क्या है दोस्तों, स्प्रिंग है। अगर स्प्रिंग पे हम फोर्स लगाएंगे या हम स्प्रिंग को दबाना चाहते हैं, स्प्रिंग को नीचे लाना चाहते हैं, तो इस पे हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा, तभी ये स्प्रिंग नीचे आ सकती है। सेम वे अगर इस क्यू नॉट चार्ज को हमें पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाना हो तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। उसको हम लिखेंगे डब्ल्यू एक्सटर्नल से, यानी कि डब्ल्यू बाह्य से। समझ में आई बात। क्यू नॉट आवेश को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाने में एक छोटा सा कार्य करना पड़ेगा, उसको हम बोलेंगे डब्ल्यू एक्सटर्नल। समझ में आई बात। मान लीजिए पॉइंट ए पर वोल्टेज है वी ए और मान लीजिए पॉइंट बी पर वोल्टेज है वी बी। इतनी बात समझ में। पॉइंट ए पर वोल्टेज है वी ए, पॉइंट बी पर वोल्टेज है वी बी, और पॉइंट बी से हमें चार्ज को लाना है पॉइंट ए तक, उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा डब्ल्यू एक्सटर्नल। क्लियर। दोस्तों जब हमको क्यू नॉट बी से ए तक लाना पड़ता है, वो जो कार्य होता है, वो जो कार्य होता है वो होता है वी ए माइनस वी बी। अगर उसी कार्य को हम क्यू नॉट से डिवाइड कर दें, डब्ल्यू एक्सटर्नल बटे क्यू नॉट, यही होता है वोल्टेज डिफरेंस। वोल्टेज डिफरेंस क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंस क्या होता है, किसी भी दो बिंदुओं का डिफरेंस, किसी भी दो बिंदुओं के वोल्टेज का डिफरेंस होता है वोल्टेज डिफरेंस। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, एक परीक्षण आवेश को, किसी एक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, उस कार्य को अगर हम आवेश से विभाजित कर देते हैं तो वही होता है वोल्टेज डिफरेंस। समझ में, समझ में आई बात। ओके दोस्तों जरा एक बार सोचना, एक बार सोचना कि अगर इस क्यू नॉट का मान एक हो, क्या हो, क्यू नॉट का मान एक हो, यानी कि एक कूलाम आवेश हो, तो फिर वी ए माइनस वी बी जिसको हम लिखते हैं डेल्टा वी से, ये कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल। कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल। समझ में आई बात। ये एक हो जाए अगर, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल किसके बराबर होगा, वोल्टेज डिफरेंस के बराबर। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक ऐसे समझ लीजिए, मुझे पता है कि सारा ऊपर से गया होगा लेकिन स्किप नहीं करना, ऊपर से गया नो प्रॉब्लम, फिर से पढ़ना है। दोस्तों बोलते हैं ना कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसको जो पी लेता है वही दहाड़ता है। आपने रिसेंट में एक केस सुना होगा कि एक सफाई कर्मी की बीवी है, वो पीसीएस ऑफिसर बन गई, एसडीएम बन गई, उसके बाद उसने छोड़ दिया। इससे पहले एक मूवी आई थी शादी में जरूर आना, उस मूवी को देख के आपको कुछ सीखना चाहिए। अगर उससे भी नहीं सीखे तो इस केस को देख के तो जरूरी सीखना चाहिए, स्किप नहीं करना है, पढ़ाई करनी। क्लियर। दोस्तों मान के चलिए आप मार्केट जाते हैं, कहाँ जाते हैं, मार्केट, वहां से आपको लाना है 1 किलोग्राम टमाटर, 1 किलोग्राम टोमेटो लेके आना है आपको। दोस्तों ऐसा मान के चलिए कि जो टोमेटो वाला रखा है, जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, वो कह रहा है कि 5 किलो टमाटर हैं 10 रुपए के। कितने के,
₹10 के, तो हम आपसे सिंपली पूछेंगे 1 किलो टमाटर कितने का होंगे, तो आप कहोगे 10/5, यही बोलोगे ना आप। वैसे ही अगर क्यू नॉट चार्ज को लाने में W एक्सटर्नल काम करना पड़ रहा है, तो एक कूलम चार्ज को लाने में कितना करना पड़ेगा, W एक्सटर्नल बटे क्यू नॉट, वही चीज इधर लिखी हुई है। समझ में आई बात, इतनी चीज क्लियर है। ओके, ये तो हुई बात किसकी, वोल्टेज डिफरेंस की। वोल्टेज डिफरेंस समझ में आ गया। यहां पर दो पॉइंट नोट करने वाले हैं, कौन कौन से। पहला पॉइंट ये है दोस्तों, इसको हल्का मिटाते हैं दोस्तों, ये पहली बात ये है कि जो Q नॉट लेके हम आएंगे, जो Q नॉट का वेग है बहुत कम होना चाहिए। वेग की जगह पे इधर हम गति लिखेंगे, गति जो है बहुत कम होनी चाहिए, होनी चाहिए। यानी कि अर्थात लिख सकते हैं, अर्थात इसका वेग या गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा नहीं बदलनी चाहिए, नहीं बदलनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, समझ में आई बात। यानी कि उसको इतना आराम से लेकर आना है कि उसकी जो गतिज, सॉरी स्थितिज ऊर्जा, इसकी जगह पे गतिज नहीं, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा नहीं बदलनी चाहिए, समझ में आई बात। यानी कि उसका वेग में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये एक पहली इंपॉर्टेंट बात है। इसकी एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमने कार्य किया है, W किया है, W एक्सटर्नल किया है, इसकी दिशा और इलेक्ट्रिकल फील्ड की दिशा, इलेक्ट्रिकल फील्ड की दिशा अपोजिट होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो हमें जो कार्य करना है वो इस दिशा में करना है। ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है अगर दोनों चार्ज इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखे हुए दोनों चार्ज सेम हो, यानी कि दोनों पॉजिटिव हो या दोनों ही निगेटिव हो, तभी हम इसके पास जब लेके आएंगे तो हमें एक्सटर्नल काम करना पड़ेगा। अगर एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है तो ये ऑटो में चलाएगा उसके पास, समझ में आई बात। ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर। अब देखते हैं विभव। जैसे मैंने शुरू में बताया कि विभव को दोस्तों हमने एक सिस्टम से केवल परिभाषित कर रखा है, जुगाड़ लगा रखी है हमने, विभव का एक्चुअल में कोई डेफिनेशन नहीं है, समझ में आई। ओके, हम हेडिंग लगाएंगे वोल्टेज। दोस्तों हम वहीं से समझेंगे, वोल्टेज डिफरेंस से ही समझेंगे। एक मान लीजिए पॉइंट ए है, एक पॉइंट कहीं अनंत पर हमने मान लिया बी, यहां पर चार्ज रखा क्यू नॉट, बात समझना। एक अनंत पर कोई पॉइंट हमने मान लिया बी, वहां पर हमने ये माना क्यू नॉट चार्ज रखा है, और जिसकी वैल्यू है एक के बराबर, किसके बराबर है, एक के बराबर। तो यहां से हमने उसको सिंपली डिफाइन किया, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल बाई क्यू नॉट, यही था वोल्टेज डिफरेंस। अगर यहां से वी बी का मान जीरो हो जाए, क्या हो जाए, वी बी का मान जीरो हो जाए, VB का मान जीरो हो जाए, अनंत पे जो आवेश रखा वहां पर वोल्टेज कितना हो जाए, जीरो, तो यही क्या हो जाएगा, VA इज इक्वल टू W एक्सटर्नल बाई क्यू नॉट, समझ में आई बात, समझ में आई। यानी कि हमने कैसे डिफाइन कर रखा है, उसको अनंत पर वोल्टेज जीरो मान के डिफाइन कर रखा है, समझ में आई। यानी कि अगर दूसरे पॉइंट पर वोल्टेज जीरो हो जाता है तो वही पहले पॉइंट का वोल्टेज डिफरेंस ही वोल्टेज हो जाएगा, क्लियर इतनी चीज। दोस्तों जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स हमेशा याद रखना, वहां पर हो सकता है आपको बोल दे कि जो अनंत पर आवेश दो कूलाम है, क्या है, दो कूलाम है, तो आपको वहां पर या फिर वहां पर वोल्टेज बता दे आपको कि दो वोल्ट है, वहां पर आपको यहां पर जीरो नहीं रखना है, वहां पर आपको रखना है दो वोल्ट, क्लियर इतनी चीज। ओके दोस्तों, अगर क्यू नॉट का मान एक मान लेते हैं अनंत पर, क्यू नॉट का मान एक मान लेते हैं अनंत पर, तो क्या हो जाएगा, वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल, यानी कि जितना हम बाहर से लाने में कार्य कर रहे हैं उतना ही वोल्टेज हो जाएगा इस पॉइंट पर, उतना ही वोल्टेज इस पॉइंट पर हो जाएगा हम। लेकिन अनंत पर विभव हमेशा कितना मानेंगे, वी बी जीरो,
क्या मानेंगे, v बी जीरो, तभी v a को डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आई बात? ओके, न्यूमेरिकल्स में हमने जैसे बताया आपको, याद रखना। ठीक है, आज की क्लास में इतना बेसिक सी, इसके बाद अगली क्लास में हम इसके आगे बात करेंगे, वहां पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके,